सुशांत की डायरी के 11 नए पन्ने सामने आए। 2020 तक हॉलीवुड जाना चाहते थे सुशांत। डायरी में सुशांत ने अपने करियर मैनेजमेंट के बारे में लिखा था, हॉलीवुड की एजेंसी और सितारों से जुड़ना चाहते थे। ग्लोबल पहचान बढ़ाने के लिए सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण में योगदान देने की चाहत थी। कोर टीम तैयार करना चाहते थे। सुशांत को स्ट्रॉन्ग किरदारों की चाहत थी। वंस इन अ लाइफ टाइम कैरेक्टर की तलाश करते थे सुशांत। सुशांत ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं किसी को खोना नहीं चाहता। सुशांत के परिवार ने भी एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में गाना गाते हुए गाड़ी चला रहे हैं सुशांत। परिवार ने जारी की 9 पन्नों की चिट्ठी। लिखा, डर था कि सुशांत को कोई मार देगा। परिवार ने कहा, सुशांत की निर्मम हत्या हुई है। रिया महंगे वकीलों के जरिए केस को घुमाने की कोशिश कर रही है। परिवार ने कहा, हनी ट्रैप गैंग ने सुशांत को लूटा और मारा। अब परिवार को अपमानित करने में जुटाए गए। सुशांत केस में वकील का बड़ा दावा, किसी ने सुशांत की बॉडी को लटके हुए नहीं देखा। सुशांत केस में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा, सीबीआई जांच से भी एतराज नहीं। सुशांत सिंह के भाई नीरज कुमार ने संजय राउत को नोटिस भेजा, 48 घंटे में माफी नहीं मांगी तो एफआईआर दर्ज होगी। यूरोप ट्रिप पर एक पेंटिंग को देखकर सुशांत बुरी तरह डर गए थे, रिया का दावा। पटना में अजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज, मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बेंगलुरु दंगों की जांच डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेंगे, कर्नाटक सरकार का आदेश। बेंगलुरु हिंसा में 145 लोग गिरफ्तार, बेंगलुरु में ज्वाइंट कमिश्नर ने दी जानकारी। बेंगलुरु हिंसा मामले में एसडीपीआई का नेता मुजाहिद पाशा गिरफ्तार, थाने में तोड़फोड़ करने का आरोप। बेंगलोर में बवाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, हथियार लिए दंगाई सड़कों पर दौड़ते दिखे। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत का बयान, तनाव वाली जगहों पर अब हालात काबू में। फेसबुक पोस्ट के बाद बेंगलुरु में हुआ हंगामा, धारा 144 लगी। भीड़ ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर तोड़फोड़ की, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगाई। विधायक के करीबी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने का आरोप, एडिशनल कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले हुए घायल। बेंगलुरु हिंसा के बाद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कर्नाटक के मंत्री सीटी रवि का दावा, बेंगलुरु में दंगे और आगजनी एक सुनियोजित थे। कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अमन चयन बहाली के लिए सरकार के साथ है कांग्रेस। सचिन पायलट की वापसी के बाद बदले गहलोत के सुर, कहा, मतभेदों को दूर करके जनता की सेवा करेंगे। गहलोत बोले, राजस्थान में जनता की जीत हुई। गहलोत ने कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए रखना पड़ता है संयम। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, 14 अगस्त को विधानसभा में सारे विधायक होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर निशाना, कहा, खरीद फरोख्त वाली राजनीति की हार हुई। चीन से जुड़े हवाला रैकेट केस की ईडी जांच करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है। आरोपी चीनी नागरिक 2018 में भी हुआ था गिरफ्तार, जासूसी के आरोप में स्पेशल सेल ने पकड़ा था। गुरुग्राम में नाम बदलकर रह रहा था चीनी नागरिक, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था आरोपी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल कमांडर ललहारी घेर हुआ, मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों में शामिल था। कुपवाड़ा में महिला जवानों की तैनाती, हथियारों और ड्रग तस्करों पर निगरानी की जिम्मेदारी। 15 अगस्त को 121 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा मेडल, 21 महिला अधिकारियों को भी सम्मान। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा लॉन्च। दिल्ली के रामबाग में एसआई की मौत, अवैध इमारत की फोटो लेते समय मंजिल का एक हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। गणपति विसर्जन को लेकर बीएमसी का बयान, समंदर में विसर्जन पर रोक है। महाराष्ट्र के गोंडिया में आईईडी धमाके की साजिश हुई नाकाम, नक्सली साजिश का खुलासा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के विवादित बांगरा घाट पुल का उद्घाटन किया। सीएम के उद्घाटन से पहले ही पुल तक पहुंचने वाली सड़क टूटी, सारण बांध से पानी छूटने की वजह से सड़क टूटने का दावा। विवादित पुल को लेकर तेजस्वी यादव का तंज, कहा, नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन की हड़बड़ी में है सीएम। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के साथ पुलिस पर मारपीट का आरोप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी जांच के आदेश दिए। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी मौत मामले में जांच तेज, बुलेट मोटरसाइकिल मालिकों को थाने लाकर पूछताछ। हरियाणा के फरीदाबाद में एक घर में अज्ञात लोगों ने दंपत्ति की हत्या की, मामले की जांच जारी। जोधपुर के गंगाना पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, 11 पाकिस्तान विस्थापितों की मौत के मामले में दुख जताया। चेन्नई में एयर कस्टम विभाग ने 1,65,00,000 की अवैध दवाई पकड़ी, ड्रग्स के तौर पर होता है इस्तेमाल। बेरूत धमाके के बाद भारत ने लिया सबक, चेन्नई से हटाया गया अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा। कोझिकोड एयरपोर्ट पर मॉनसून तक बड़े विमानों की उड़ान पर रोक, डीवीसीए का फैसला। आंध्र प्रदेश में 23,00,000 महिलाओं को सरकार बनाएगी आत्मनिर्भर, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की योजना। ओडिशा के 12वीं के साइंस स्ट्रीम के रिजल्ट जारी, 72% स्टूडेंट पास। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश के बाद पुलिस स्टेशन में भरा पानी, गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से रास्ते बंद, घरों में घुसा पानी, रास्तों को खोलने के लिए मशीनों का इस्तेमाल। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के शारदा बैराज में बढ़ा पानी का स्तर, भारत नेपाल बॉर्डर पूरी तरह से बंद। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों को अलर्ट किया, कल भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, NH5 पर अस्थायी पुल भी बहा। केरल के कोट्टयम में जमा हुआ बारिश का पानी, बाजार समेत घरों में भी भरा पानी। केरल के इडुक्की लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 54 हुआ, 16 लोग अभी लापता। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन टेम्पल में पूजा की।
देश में कोरोना के मामले 23,30,000 के करीब, एक दिन में फिर 61,000 के करीब केस। कोरोना से देश में एक दिन में 834 लोगों की मौत, अभी तक 46,091 लोगों की गई जान। 11 अगस्त तक 2,60,00,000 से ज्यादा टेस्ट, सिर्फ 11 अगस्त को ही 7,33,000 टेस्ट हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने राज्य से खौफ में नहीं आने को कहा, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने को कहा। अब कोरोना के इलाज में ली जा सकेगी रोबोट्स की मदद, इसराइल के राजदूत ने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंपे रोबोट्स। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और बिगड़ी, आर्मी हॉस्पिटल में दूसरे दिन भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। सोमवार को प्रणब मुखर्जी के दिमाग में खून जमने के बाद किया गया था ऑपरेशन, अस्पताल ने कहा पूर्व राष्ट्रपति की हालत में अभी सुधार नहीं। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक को हुआ कोरोना, होम आइसोलेशन पर रहने का फैसला लिया। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को हुआ फेफड़ों का कैंसर, इलाज के लिए जा सकते हैं अमेरिका। संजय दत्त 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, सांस लेने में परेशानी के बाद किया गया था टेस्ट। संजय दत्त को 10 अगस्त को अस्पताल से मिली थी छुट्टी, पत्नी मान्यता दत्त ने कहा ये वक्त भी बीत जाए। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,712 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 5.5 लाख के करीब। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 917 लोग संक्रमित, 48 की मौत। महाराष्ट्र में आज तीन और पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान गई, एक दिन में 264 पुलिसकर्मी को हुआ कोरोना। नागपुर में कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे लेने पर 2 प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई, अतिरिक्त पैसे वापस करने को कहा गया। दिल्ली में एक दिन में 1,113 नए मामले, आज 14 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,583 नए कोरोना केस, 55 मरीजों की मौत। बिहार में एक दिन में 4,071 नए केस, 15 और लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल के कोरोना ग्राफ में कोरोना ग्राफ 1,00,000 के बाद 24 घंटे में 2,931 नए केस, 49 की मौत। पश्चिम बंगाल में 28 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन से छूट, सिर्फ 20, 21, 27 और 31 अगस्त को लागू होगा। कोलकाता के थानों में डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे, कोरोना और मेडिकल इमरजेंसी में पुलिस वालों की मदद करेंगे। गुजरात में एक दिन में 1,118 लोग कोरोना की चपेट में आए, 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। उड़ीसा में कोरोना के 1,876 नए केस, 9 लोगों की मौत, 1,785 मरीज रिकवर। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से कश्मीर में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में जारी है लॉकडाउन। रांची के रिम्स हॉस्पिटल में फिर खराब बंदोबस्त की पोल खुली, कोरोना संक्रमित मरीज के बेड से गिरते पर बेटा लगातार लिखा गुहार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एम्स की बिल्डिंग से कूदकर कोरोना मरीज ने जान दी, अस्पताल में चल रहा था बुजुर्ग का इलाज। पंजाब में कोरोना के 1,020 नए मामले, आज 39 लोगों ने दम तोड़ा। पंजाब सरकार ने ट्रांसफर और छुट्टियों पर 30 सितंबर तक रोक लगाई, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर लिया फैसला। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 9,597 नए केस, आज 93 लोगों की राज्य में जान गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,897 नए मरीज, 9 मरीजों की मौत। केरल में त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड के मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, एक बार में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत। दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद 2,06,00,000 के पार, केवल 6 हफ्ते में कोरोना का आंकड़ा डबल हुआ। रूस की वैक्सीन पर बोले एम्स के डायरेक्टर, सुरक्षा और असर को देखना होगा। रूस में MiG-31 की इमरजेंसी लैंडिंग, क्रू और प्लेन को कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान को सऊदी अरब नहीं देगा अब और लोन, तेल सप्लाई से भी सऊदी अरब का इनकार। शेयर बाजार में आई तेजी पर लगा विराम, सेंसेक्स 37 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी 14 अंकों की गिरावट। डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर पड़ा रुपया, एक डॉलर की कीमत 74.83 रुपए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और AFC एशियन कप 2023 के क्वालिफाइंग मैच स्थगित, कोरोना की वजह से फैसला। IPL में सिलेक्शन नहीं होने पर परेशान क्रिकेटर करण राधेश्याम तिवारी ने जान दी, मरने से पहले दोस्त को फोन किया। और गुंजन सक्सेना फिल्म पर इंडियन एयरफोर्स ने जताया एतराज, गलत छवि दिखाने को लेकर सेंसर बोर्ड को लिखी चिट्ठी। बेंगलुरु में दंगा भड़काने की साजिश किसने की? किसने